नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक एंड चैट विद निमिषा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही सरल आसन की बात करने जा रहे हैं। अगर उसे आप 5 से 10 मिनट भी हमेशा कर लें तो बहुत सारी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, जो छोटी मोटी तकलीफें हैं आपके शरीर को लेके, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन्हें विपरीत करनी आसन करने से थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो अगर आप ये वाला आसन कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट सेम आपको इसमें भी मिलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं लेग्स अप वॉल पोज। विपरीत करनी आसन जैसा ही है पर उसको सरल तरीके से हम करेंगे। बहुत सारे इसके अंदर से बेनिफिट्स हैं इस आसन को लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक तो लेग्स अप वॉल पोज किस तरीके से करें, दूसरा है, दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और तीसरे पे हम बात करेंगे कि कौन ये आसन नहीं करें, मतलब उसकी सावधानियां। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहले बात कर लेते हैं इसके होने वाले बेनिफिट्स यानी कि लाभ की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो आपके नर्वस सिस्टम है उसको ये रिलैक्स करता है। अगर आप ये आसन 5 से 10 मिनट हमेशा करते हैं तो जो आपकी नसें हैं, जो आपकी नाड़ियां हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स मिलेगा। दूसरा है, जब आप अपने पांव लेग्स अप आप करते हैं, जब आप अपने पांव रेस करके रखते हैं 10 से 15 मिनट, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अच्छी तरीके से होता है। तो पैर में होने वाली जो भी तकलीफ है, दर्द हो या हल्का सूजन होता है, क्योंकि जब हम जॉगिंग कर रहे हैं या बहुत लंबे सफर पे गए हैं, जैसे फ्लाइट में बैठे हैं 2.5 से 3 घंटे अगर आप बैठ गए हैं तो पांव लटके हुए हैं हमारे, या आप रन करके आए हैं, जॉगिंग करके आए हैं, तो उससे जो दर्द होता है या उससे जो सूजन होती है उससे काफी आराम मिलती है अगर आप ये आसन कर लेते हैं। दूसरा है, अगर आप ये आसन कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल ये आसन बहुत ज्यादा कम कर देता है, मन को शांत कर देता है। आजकल आपने देखा होगा वेरिकोज वेन की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो अगर आप ये आसन कर रहे हैं तो सेम वही, आप जैसे आपने इंक्लाइन रख रखे हैं आपने 10 से 15 मिनट तक आपके पांव, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर जिसको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो चुकी है या आप नहीं चाहते हैं कि कभी भी वेरिकोज वेन आपके हो, तो आप ये आसन जरूर करें, उससे आपको वेरिकोज वेन की समस्या कभी भी नहीं होगी। और दूसरा है, लोअर बैक में पेन होना। जब किसी के लोअर बैक में पेन है बहुत ज्यादा, तो ये आसन करने से एक तो आता ही नहीं है लोअर बैक में पेन, क्योंकि आपको एक शरीर में बहुत अच्छा एक स्ट्रेच मिलता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपको मिल रहा है, तो लोअर बैक में पेन हो तब भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। फिर है आपका नेक और आपका शोल्डर, अगर आपको पेन देता है तब भी आप ये आसन करिए। जब आप ये आसन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलता है आपके शोल्डर में, आपकी नेक में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा जा रहा है, तो इससे भी आपको दर्द में राहत मिलेगी। फिर है, अगर आप इस तरीके से इंक्लाइन रख के पांव रखते हैं थोड़ी सी देर, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है तो आपका चेहरा एकदम से कांतिमय हो जाएगा, रिंकल्स फ्री हो जाएगा। फिर है, ये हमारी जो फ्रंट थाई मसल है और जो हैमस्ट्रिंग है उसको रिलैक्स करता है। हैमस्ट्रिंग को जब आप ये आसन कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग को एक स्ट्रेंथन मिलती है, एक लेंथन मिलती है, और जिससे हमारे जो नी में, जो नी लॉक होने का प्रॉब्लम होता है, नी में दर्द होता है, तो वो नी दर्द हमारा ठीक हो जाता है। और फिर है, जब पांव में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहता है, तो जब हम इंक्लाइन करके रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है आपके पेट तक, तो पेट के सभी ऑर्गन, बिल्कुल अच्छे पेट के ऑर्गन, खासकर महिलाएं, जैसे ओवरी हो गई, यूट्रस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेल्विक मसल हो गई, उन सभी जो ऑर्गन्स हैं, जब उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाता है तो उनमें प्राण शक्ति बढ़ती है, एक मसाज मिलती है, तो वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। फिर है सेम, जब ब्लड सर्कुलेशन पेट तक जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है अगर आप ये आसन रेगुलर कर रहे हैं। अच्छा, पीरियड का पेन जब होता है, पीरियड के पहले 4 से 5 दिन पहले से पीरियड पेन शुरू हो जाता है, थकान महसूस होती है, तो आप ये जब करेंगे, ये आसन करेंगे, तो एक रिलैक्सेशन मिलेगा और आपका पेन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। जो मेनस्ट्रुअल क्रैम्प आते हैं, पैर में दर्द होता है, एक ऐठन होती है, पेट में होती है, पांव में होती है, उन दिनों में जरूर आप ये आसन करें,
ताकि आपको ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आ रहे हैं उसे छुटकारा मिल सके। तो इस आसन के बहुत सारे फायदे मैंने आपको बता दिए हैं और अब आती है बात कि आप इस आसन का अभ्यास किस तरीके से करें। मैट ले लीजिए, मैट बिल्कुल आप दीवार के पास में बिछा दीजिए और ढीले कपड़े, जो भी आपको कंफर्टेबल कपड़े लगते हैं आप वो पहन लीजिए। दीवार के बिल्कुल पास में आप बैठ जाइए और धीरे धीरे से पांव उठाते रहिए और आप लेट जाइए। दीवार के बिल्कुल पास रहिए और बिल्कुल रिलैक्स करें, आंख बंद कर लें। हाथों को आप चाहे तो साइड में रख सकते हैं या आप पेट के ऊपर रख सकते हैं, जब भी आपको कंफर्टेबल रखें आप वो ही करिए। आईज क्लोज करके ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और 10 मिनट से ये अभ्यास शुरू करते हुए आप 15 से 20 मिनट तक भी ये अभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस आसन को कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब सावधानियों की कि ये आसन करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप किसी आंखों से की गंभीर समस्या से ग्रसित हैं, जैसे मोतियाबिंद हो, ग्लूकोमा हो, तो ये आसन बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन ये आसन बिल्कुल नहीं करें। तीसरा, जब आपको पीरियड हो रखा हो 3 से 4 दिन जो है उसमें भी आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करें। आपका जब पेट बिल्कुल फुल है, भरा हुआ है, तब भी आसन नहीं करें। खाली पेट में ये आसन करेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। आगे के वीडियोस भी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।